फर्स्ट संबोधन चिन्ह हे अरे वो, इसके चिन्ह क्या होते हैं, हे अरे वो। अब देखिए ये संबोधन आपका लास्ट का है, कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। पिछली कक्षाओं में क्या पहले हिंदी थी आपकी, सिक्स क्लास में आपने पढ़ा है कारक चिन्ह के बारे में, मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था उस टाइम भी। अब देखिए कारक चिन्ह के जो लास्ट का होता है, जो संबंध और संबोधन जो होता है वो कारक की गिनती में नहीं होता है। कारक कितने माने गए संस्कृत भाषा में, 6 माने गए हैं। अब देखिए संबोधन जो है, संबोधन कहते किसे है, देखिए किसी को बुलाते समय, किसी को बुलाते समय या फिर बातचीत करते समय संबोधन का प्रयोग किया जाता है। किसी को बुलाते समय या फिर बातचीत करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, संबोधन का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद क्या लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद क्या लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो कैसे होता है, इस तरीके से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आपके जो चैप्टर में है, संबोधन चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, संबोधन कहाँ प्रयोग होता है, उसको उसको ध्यान में रखते हुए वार्तालाप, वार्तालाप क्या होता है, बातचीत, वार्तालाप क्या होता है, आपस में बातचीत। हमने देखिए यहाँ पढ़ा है किसी को बुलाते समय या बातचीत करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, संबोधन का। और उसके बाद में क्या लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, उसको स्पष्ट करने के लिए वार्तालाप से बताया गया है कहाँ कहाँ पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कहाँ कहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब देखिए विषय, अपना जो पाठ है संबोधन, उसमें जो ऋषभ है, जो ऋषभ अपने पितामह है, अपने दादाजी से बोल रहा है, पितामह अहम प्रणमामी, पितामह मतलब क्या होता है, दादाजी, पिताजी नहीं होता, पितामह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पितामह, दादाजी अहम प्रणमामी, मैं प्रणाम करता हूँ, दादाजी मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पितामह दादाजी बोलते हैं, पुत्र आयुष्मान भव, पुत्र जीते रहो, आयुष्मान भव यानी जीते रहो, चिरंजीवी बनो, विद्यावान भव, विद्यावान बनो, कैसे बनो, विद्यावान बनो, गुणवान भव, गुणवान बनो, क्या बोल रहे हैं दादाजी कि पुत्र आयुष्मान भव, पुत्र जीते रहो, विद्यावान बनो और गुणवान बनो। तन्मय, हे ऋषभ, हे ऋषभ, त्वम सज्जीवु है पुत्र गच्छसि। अब देखिए जो तन्मय है वो अपने मित्र से क्या बोल रहा है, अब देखिए बातचीत कर रहे हैं, हे ऋषभ, विस्मयादि बोधक लगा, क्या लगा, विस्मयादि बोधक, हे ऋषभ त्वम सज्जीवु है, सज्जीवु है का मीन्स क्या होता है, तुम तैयार होकर के, तुम तैयार होकर के, पुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ, पुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ, गच्छसि जा रहे हो। तन्मय, हे ऋषभ तुम तैयार होकर के, पुत्र गच्छसि कहाँ जा रहे हो। तन्मय, अब देखिए तन्मय क्या बोलता है, ऋषभ बोल रहा है उससे, क्या बोल रहा है ऋषभ, मित्र तन्मय, मित्र तन्मय, मित्र तन्मय, फिर क्या लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अहम तू, अहम मतलब क्या होता है, मैं, तू मतलब तो, विद्यालयम विद्यालय को, विद्यालयम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, क्या आया, विद्यालय को, गच्छामि जा रहा हूँ। ऋषभ क्या बोल रहा है तन्मय से कि मित्र तन्मय, मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ। तन्मय, देखिए ऋषभ, फिर क्या लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऋषभ त्वम असत्यम बदसी, ऋषभ क्या बोल रहा है कि तुम असत्य बोल रहे हो, ऋषभ क्या बोल रहा है तन्मय से कि तुम असत्य बोल रहे हो, अद तू रविवासर अस्ति, आज तो रविवार है और रविवार को विद्यालय नहीं जाते हैं, अद तत्र त्वं किं करिष्यति, आज, अद मतलब क्या होता है, आज, तत्र मतलब वहां, त्वं मतलब तुम, किं मतलब क्या, करिष्यसि करोगे, आज वहां तुम क्या करोगे। अब देखिए ऋषभ क्या बोल रहे हैं, हे तन्मय किम त्वम ने जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, हे तन्मय क्या तुम नहीं जानते हो, अद बाल दिवस है अस्ति, आज क्या है, बाल दिवस है। अब देखिए बाल दिवस होगा तो रविवार को भी विद्यालय में कुछ ना कुछ आयोजन होगा। अब देखिए तन्मय, मित्र ऋषभ, मित्र ऋषभ, बाल दिवस, अब देखिए जो तन्मय है उसको पता नहीं बाल दिवस क्या होता है, बाल दिवस पर क्या करते हैं, इसलिए वो रुक गया है। मित्र ऋषभ बाल दिवस, बाल दिवस, बाल दिवस किम, बाल दिवस क्या है। अब देखिए एक बार वापस से देख लीजिए, संबोधन,
संबोधन का प्रयोग कब करते हैं? किसी को बुलाते समय या किसी से बातचीत करते समय संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपसे हे छात्र बोलते हैं, किसी से बोल दिया मोहन, हे मोहन तुम बताइए आंसर, तो हमने बोला तो उसके पीछे क्या लगेगा? संबोधन। हम क्या बोल रहे हैं? उसे संबोधन लगा के बोल रहे हैं। लेकिन संबोधन के बाद में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए इन चिन्हों को हम वार्तालाप के माध्यम से आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। ऋषभ पितामह, पितामह अहम प्रणमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पितामह, पितामह क्या बोल रहे हैं? दादाजी क्या बोल रहे हैं? पुत्र, पुत्र आयुष्मान भव, जीते रहो। विद्यावान बन भव, विद्यावान बनो। गुणवान भव, गुणवान बनो। तन्मय, हे ऋषभ। तन्मय क्या बोल रहे हैं? हे ऋषभ तुम सज्जीव हुए। सज्जीव हुए का क्या अर्थ बताया मैंने? सज्जीव हुए मतलब तैयार होकर के। पुत्र मतलब कहाँ गच्छसी, जा रहे हो तुम तैयार होकर के, कहाँ जा रहे हो? ऋषभ, ऋषभ मित्र तन्मय, मित्र तन्मय अहम तो विद्यालय गच्छामि, मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ। तन्मय ऋषभ, ऋषभ तुम असत्यम बस्ती, तुम तो असत्य ही बोल रहे हो। असत्य मतलब तुम तो झूठ बोल रहे हो। अद तो रविवासर अस्ति, आज तो रविवार है। अद तत्र त्वं किं करिष्यति, आज वहां। अद मतलब आज, तत्र मतलब वहां, तुम क्या करोगे? ऋषभ, हे तन्मय किं त्वं किं त्वं न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो? अद बाल दिवस अस्ति, आज तो क्या है? बाल दिवस है। तन्मय मित्र ऋषभ, मित्र ऋषभ बाल दिवस, वो क्या बोल रहे? बाल दिवस, फिर रुक गया। बाल दिवस, बाल दिवस दिवस किम, बाल दिवस क्या है? बाल दिवस क्या है? अब आगे पढ़ेंगे।